आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शेख। मेरा सवाल सर ये था कि मैं मतलब बिहार सिवान से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शाहिल। मेरा सवाल ये था कि सर ये हिस्ट्री की किताबें हैं और ये SST जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मैंने हिस्ट्री में बहुत सारी झूठे भी बातें होती हैं हिस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे सच भी बात होते हैं मैंने जिन्होंने लिखा है इन चीज़ों को, और सिविक्स पॉलिटिकल साइंस वगैरह में मैंने ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में ये सब पढ़ाई होता है, तो क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है मैंने इसको पढ़ने में? और एक और सवाल ये था कि इसी सब्जेक्ट का अगर हम किसी कॉलेज में इसी सब्जेक्ट से प्रोफेसर बनते हैं तो क्या उसकी कमाई हलाल होगी या नहीं? ये हमारे एक भाई साहब हैं सिवान से सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी बातें सच्ची, बहुत सारी बातें झूठी होती हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। देखिए, ये तारीख एक फन है, उसमें सच झूठ सब होता है, लेकिन अगर आपको पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट में है, तो उसको पढ़ने में कोई मसला नहीं है। बस ये फ़र्क आपके सामने रहे क्या सच है क्या झूठ है, तो पढ़ने में कोई मसला नहीं। मदारिस में भी तो तारीख पढ़ाई जाती है, और उसमें भी कितनी बातें झूठी होती हैं कितनी सच्ची होती हैं। अहादीस भी पढ़ाई जाती हैं, कितनी हदीसें सही होती हैं कितनी हदीसें ज़यीफ़ होती हैं, लेकिन वो पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि सबको मिक्स कर दिया जाए। तो ऐसे हिस्ट्री भी है, अगर कोई आदमी पढ़ रहा है, तारीख पढ़ रहा है, तो उसकी निगाह रहे क्या सच है क्या झूठ है, उसी हिसाब से वो फैसला करे। बाकी पढ़ने में कोई मसला नहीं है। जब आदमी सच्ची बातें पढ़ रहा है तो साथ में झूठी बातें भी उसको देखना होता है कि क्या सच है क्या झूठ है, तो उसको पढ़ने में कोई मसला नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसमें सच क्या है झूठ है कुछ पता नहीं है, तो बतौर फन वो पढ़ रहा है कि भाई ये क्या तारीख है क्या लिखी हुई है, तो उसको पढ़ने में कोई मसला नहीं है। कौन उसमें दीन की और शरीयत की बात है उसमें, तो ये दुनिया वालों की लिखी हुई तारीख है, तो उसको अगर कोई पढ़ रहा है उस एतबार से तो कोई मसला नहीं है। बाद में आपने पूछा कि बाद में वो उस्ताद बनता है पढ़ाता है, उसकी कमाई कैसी है, तो एक फ़न है, एक दुनियावी फ़न है, कोई शरई हैसियत नहीं उसकी, एक दुनियावी फ़न है। तो उस फ़न को अगर पढ़ा रहा है तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं, ये दीन का मसला नहीं है। जब मसला आएगा दीन का ना, तो वहाँ एक एक बात को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी अल्लाह के हवाले से बात करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेगा, तो उसे इस बात का पाबंद होना पड़ेगा कि वो बात सच्ची है कि नहीं, क्योंकि इब्ने माजा वगैरह की रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया, फरमाया कि अगर मेरे हवाले से कोई बात करता है फल यकुल सिदकन, तो सिर्फ सच्ची बात कर सकता है। बाकी तारीख में जो बातें हैं उसमें सही भी हो सकती हैं झूठी भी हो सकती है। देखिए, बनू इसराइल से मुतलिक जो वाक़यात हैं, उनसे मुतलिक जो रवायतें हैं, वो भी एक तारीख है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरज, कि बनू इसराइल से रवायत कर सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है, हालांकि उसमें क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं है। तो ऐसे ही कोई तारीखी बात है तो उसे आप बयान कर सकते हैं, आपका वो फ़न है तो उसे अपना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे कि तारीख, चाहे बाद के लोगों की ही तारीख ना हो, किसी भी शख्स पर, किसी भी गिरोह पर जब इल्ज़ाम तराशी की बात आए, कोई संगीन इल्ज़ाम लगाना हो, तो फिर आप इस बात के मजाज नहीं है कि आप झूठी और बेसरोपा और बेबुनियाद बातों का सहारा लेके कि तारीख में लिखा है, आप किसी पर कोई इल्ज़ाम थोप दें कि फला ऐसा था, फला ने रैप किया, फला ने ये किया, फला ने वो किया, तो इस तरह की बातें नहीं। एक ऐसी बात जिसके सच या झूठ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ऐसी बात जिससे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगता है, हाँ, किसी की इज्जत तातार नहीं होती, उस तरह की बात अगर आदमी बयान कर रहा है, बयान करे कोई मसला नहीं। लेकिन तारीख के नाम पर किसी के किरदार को मजरूह करना बगैर किसी सबूत के, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इतनी वजाहतें आपके लिए काफ़ी होंगी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।